बारिश से हुए जल जमाव से शहर को जल जमाव मुक्त करने का नगर निगम का दावा कोरा कागज साबित हो रहा है। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि भारी बरसात के बाद जिन जगहों पर भी जल जमाव की शिकायत मिली थी, उन जगहों पर पंपिंग मशीन लगाकर उन्हें जल जमाव मुक्त कर दिया गया है, लेकिन अब भी गोरखपुर शहर के हजारों लोग जल जमाव का सामना कर रहे हैं। कुछ मोहल्लों के हालात बद से बदतर हो चले हैं। गाँव और शहर का फर्क मिटता नजर आ रहा है। नौसड़ के यदुवंशी टोला, घोला टोला और बरिया टोला सहित अन्य जगहों पर दो सप्ताह से लोग दुश्वारियां झेल रहे हैं। घरों में पानी घुसने से कुछ लोग ने मकान की छत पर ही शरण ली है। कईयों की तो जरूरत की चीजें पानी में डूबकर खराब हो चुकी हैं। आपको बता दें, शहर के अपेक्षाकृत निचले हिस्से में बसे नौसड़ के कुछ हिस्से में जल भराव के कारण बाढ़ जैसी हालत है। यहाँ 50 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। कई घरों में 2 फीट पानी जमा है। लोग सामान छोड़कर घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। कई परिवारों ने अपने मकानों की छतों पर शरण ली है, तो कईयों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शरण ले ली है। जल जमाव में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कुछ घरों से पानी तो निकला है, लेकिन सड़कों पर अब भी करीब 1.5 से 2 फीट पानी लगा हुआ है। गंदगी व दुर्गंध के कारण लोगों का घर में रहना दुश्वार हो गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है। अभी भी पूर्ववत जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। 2 हफ्ते के बाद भी नगर निगम के जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। लोगों को डर है कि अगर फिर बारिश हुई तो उनका घर जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। हालात को देखते हुए बहुतों ने घर का कीमती सामान दोस्तों या रिश्तेदारों के घर पहुंचा दिया। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता सिकंदर यादव ने जब मोहल्ले की महिलाओं से बात किया, तो उनका कहना है कि जल जमाव के कारण नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। कहीं भी जाने के लिए घुटने तक गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुरुषों ने बताया कि नगर निगम ने हमारी कॉलोनी को लावारिस छोड़ दिया है। जल जमाव की वजह से बच्चे और महिलाएं घर में कैद होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही जल निकासी का इंतजाम नहीं किया गया तो गंदगी व दुर्गंध से कॉलोनी में संक्रामक रोग फैल सकता है। इतनी खराब स्थिति कॉलोनी की कभी नहीं रही। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पार्षद और अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते थक गए, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। जल जमाव से जिंदगी ठहर गई है। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा सैकड़ों लोग भुगत रहे हैं। 2 हफ्तों से जल जमाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी झांकने तक नहीं आया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता सिकंदर यादव से बात करते हुए मोहल्ले की महिलाओं, पुरुषों और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, मोहन निषाद उर्फ मुग्गा निषाद। यहाँ बरसात के वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई और हम लोग महीनों से झेल रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी जो है महिलाओं के लिए तो बहुत ही दुर्गति है, और बाकी सभी लोग, बच्चों को डूबने का डर है और महामारी का डर है, तमाम प्रकार की परेशानियाँ हैं। से हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग की मदद करे और पानी का समाधान हो। तमाम लोगों ने जो रास्ते में मकान बना लिए हैं, जब तक नाले का समाधान नहीं होगा, नाला नहीं बनेगा, तब तक हम लोगों का पानी का समाधान नहीं होगा, हम लोग डूबे ही रहेंगे। और कृपया प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों के समस्या का समाधान किया जाए और लोगों को किसी तरह से इससे निजात मिले। नगर निगम में भी इसकी शिकायत की थी आप लोगों ने? नगर निगम में शिकायत कोई सुनता नहीं, किससे कहा जाए। लोग कहते हैं देख लेंगे। क्या देख लेंगे, क्या देख लेंगे, हम यही जानना चाहते हैं क्या देख लेंगे, कौन सी चीज़ देख लेंगे। आएंगे, देख लेंगे या उसको समाधान करेंगे।
रोज तो देखते हैं, आते जाते सभी लोग तो देखते हैं, लेकिन समाधान तो कोई होता नहीं है। मैं आते पानी कैसे भरूंगा, बरसात का भर। कितने दिन से पानी लगा हुआ है यहाँ पे? महीना दिन भाई। आप लोग के घर में भी पानी गया है? पानी निकलवाने की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई थी? ना ही बाबू, कौनो व्यवस्था नहीं भाई। यहाँ के पार्षद लोग नहीं आते आप लोगों से पूछने? ना ही। अमरनाथ जल जमाव की स्थिति जब से बारिश हो रहा है तब से हो रहा है। सभासद से कहने गए तो सभासद ना भी नहीं डरवाए। और किसी से शिकायत किया था आप लोगों ने? और कोई नहीं, कोई शिकायत की थी किसी से? नगर निगम से कोई नहीं, कोई आए थे? कोई अधिकारी नगर निगम पर नहीं आए थे। आप लोगों के घरों में भी पानी? हाँ, घर में भी पानी हल गया था, अभी तो थोड़ा निकल गया, कुछ राहत हो गया है पहले से। जी रहे हैं, जैसे ऐसे कट रहा है, एक एक दिन बीत रहा, इसमें नमक रोटी चल रहा है, इसमें लॉकडाउन भी चल रहा है, कमाई भी नहीं किधर है, हर चीज़ की दिक्कत है। 30 तारीख की रात में तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद तेज़ बारिश के बाद शहर में कुछ स्थानों पर जलजमाव की सूचना मिली थी, लेकिन उसको न्यूनतम संभव समय में पंप आउट किया जा चुका है। शहर में अब पानी लगने की शिकायत कहीं भी नहीं है। एक आध जगह से जलजमाव की शिकायत ज़रूर मिलती है, लेकिन वो उनके ड्रेन का पानी, नाली का पानी होता है, और कहीं कहीं अवैध निर्माण की वजह से नाली का पानी रुकने की शिकायत है, उसको भी तत्परता से देखा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, नौसर के एक वार्ड में और काफ़ी जल जमाव है, वहाँ डूबने जैसी स्थिति है। जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि नौसर वार्ड हमारा गीडा से संलग्न है, गीडा के क्षेत्रों से संलग्न है, और वहाँ पर राप्ती नदी भी बहती है। तो राप्ती नदी का क्षेत्र होने की वजह से और निचला इलाका होने की वजह से, क्योंकि गीडा के क्षेत्र में जो भी इलाके आते हैं वो लो लाइंग एरिया है, तो वहाँ पानी लगने की शिकायत हो सकती है, और यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम लोग तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हैं और पानी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, कि पानी का निकास पहले निश्चित किया जाता है, उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करते हैं। आप द्वारा ये सूचना मिल रही है, इस पर मैं मुख्य अभियंता से तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा और उसको पानी निकाल दिया जाएगा।